हेलो एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप लोग? आए हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। गाइस आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गाइस। सो गाइस अभी सुबह सुबह आप लोग मेरा फेस देखिए। आज मैं ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, आज मेरा मेकअप वीडियोस है और आपको दिखाऊंगी कि मेरा रेगुलर जो फेस का जो मैं फेस पे क्या क्या यूज़ करती हूँ और क्या नहीं यूज़ करती हूँ, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और मेरा रोज़ का जो रूटीन होता है, जो मैं अपने फेस मतलब मॉर्निंग में क्या क्या फेस पे, जैसे फेस वॉश हो गया, देन मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बट आपके साथ छोटी मोटी जो मैं हल्की फुल्की करती हूँ वो चीज़ें शेयर करूँगी। पर थोड़ा सा आज थोड़ा एक्स्ट्रा शेयर करेंगे क्योंकि रोज़ अब मैं सोच रही हूँ मेरा जो भी मेकअप वीडियोज है अब तक पहुँचे। एंड मैं जैसे कि लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना फेस को धुलते हैं, तो फेस को वॉश करने के लिए क्या चाहिए? फेस वॉश चाहिए। तो हर किसी का अपना अपना फेस वॉश होता है, अपना पसंद का होता है, कोई अपने अपने जो उनको फेवरेट उनका होता है, जो उनकी स्किन टोन पे मैच मतलब सूट करता है, लोग वही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलते हैं, गार्नियर का यूज़ करती हूँ। और मैंने बहुत बार ब्लॉग में भी बताया कि मैं गार्नियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जिसमें विटामिन सी होता है और लेमन है इसमें। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, अभी से नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं बचपन से ही यूज़ करती हूँ। और पहले मैं यूज़ करती थी, मतलब पहले बचपन से नहीं बोलूँगी मैं, एंड देन 10th क्लास से मैंने यूज़ किया है गार्नियर। उससे पहले मैं हिमालय यूज़ करती थी, बट हिमालय में मुझे मतलब हिमालय तब होता था जब जैसे फेस में थोड़ा मोड़ा जैसे पिंपल्स वगैरह आ गए तब यूज़ करती थी, देन मैं यूज नहीं करती। मैं परमानेंट ये यूज़ करती हूँ गार्नियर का, और इसमें विटामिन सी भी होता है और इसमें लेमन भी होता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरा फेस देख सकते हैं। मेरे फेस में आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखता होगा, कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं दिखता होगा एकदम। आज मैं एकदम आपके सामने इसको फेस पे लगा के मैंने फेस को वॉश भी करना, वॉश करने के बाद मैं आपको अपनी जो भी मेकअप का जो भी जैसे मेरे चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं अपना मेकअप कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहे, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं रोज़ कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, नहीं करती हूँ, और मेकअप अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग अभी पहले कंटिन्यू हो जाइए, मैं अपना फेस को वॉश करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, मैं फेस को क्लीन करना पड़ता है मेकअप करने के पहले। ठीक है, तो मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहे।
फेस, ये देखिए मेरा फेस। तो ये देखिए गाइस मेरा फेस नेचुरल फेस है और अभी मैं आपके सामने वॉश करके आई हूँ, ये देखिए। तो अभी मैंने इसको वॉश किया, अब इसको मैं थोड़ा सा टॉवल से इसको पोंछती हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, बने रहे आप मेरे चैनल पे। सो गाइस ये देखिए मैंने अपने फेस को वॉश को टॉवल से मैंने पोंछ लिया है, उसके बाद मेरा फेस देखिए। और अब मैं करती हूँ मेकअप स्टार्ट, थोड़ा वेट कीजिए, पहले प्रोडक्ट दिखाती हूँ मैं कौन कौन सा आज यूज़ करने वाली हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं मेकअप करते हुए दिखूँगी। और एक चीज़ और, जैसे मैं अब मेकअप स्टार्ट करूँगी तो मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखा सकती हूँ, मैं पूरी बात मतलब पूरी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी क्योंकि थोड़ा लेट भी हो रहे हैं। तो फटाफट मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊँगी और मेकअप करती रहूँगी, ठीक है? तो बने रहिए। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको पहले सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। सो गाइस सबसे पहले है ये मेरा फाउंडेशन, लैक्मे का फाउंडेशन है, ठीक है, 9 to 5। तो ये मेरा स्किन टोन के हिसाब से है और फाउंडेशन जो है मैं कंपनी का यूज़ करती हूँ। और प्लस ये है मेरा आईलाइनर, ब्लू हेवन का है। एंड ये है मेरा लिपस्टिक, लिपस्टिक मतलब मैं ज़्यादा कंपनी का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे लिप्स ना ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब वीडियो शूट करने के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और एक ये आप लोगों ने देखा होगा, ये मम्मी लोग यूज़ करते हैं और इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि ये अंदर से ग्रीन होता है बट इसको लगाने के बाद पिंक हो जाता है। बहुत सारी ऐसे बहन और मम्मियों को पता होगा ये लिपस्टिक सबसे ज़्यादा लेडीज़ यूज़ करती है घर पर या कहीं जाने में, बहुत अच्छा होता है। और ये है मेरा लिप लाइनर और ये आईब्रोस सेट करने वाला कलर्स है जिसमें ब्राउन एंड ब्लैक है। एक मेरा टूट गया गाइस, आप लोगों ने देखा होगा ये पूरा ही पूरा ना मतलब बहुत मतलब मेरा मेकअप किट पूरा गिर गया था तो ये टूट गया था, तो मैंने जैसे तैसे इसको अभी चला रही हूँ और इसका एक कलर टूट के गिर गया था तो इसमें अभी ब्लैक और ब्राउन है थोड़ा। तो गाइस ये है मेरा आई शैडो पैलेट, तो ये देखिए आप लोगों ने बहुत बार देखा है और तो फिर से दिखाती हूँ। तो ये मेरा आई शैडो पैलेट है, एक ये है, एक और है मेरे पास, ये भी मेरा गिर के टूट गया था, मेरा सब मेकअप किट एक बार में गिर गया था पूरा फैला ही, देखो यहाँ से टूट गया आप देख सकते हो। और ये मेरा फेवरेट मेकअप किट है और तो ये देखिए इसमें मेरे बहुत सारे कलर्स है जो पहले मैं मेकअप करती थी तब मैं यूज़ करती थी, मेकअप करने के लिए मैंने इसको लिया था, देन अभी बहुत टाइम से मैंने बंद किया था, मैंने सोचा अब चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये सब देख सकते हैं, ये मेरा जो भी आई शैडोज हैं ये थोड़ा साइन वाले हैं। तो गाइस ये है मेरा मीनी, तो ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट है, ये मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था, तो मेरे को बहुत पसंद था मेकअप करना, तो मेरे भाई को पता ही नहीं था कि ये कैसे लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, तो वहाँ से बोला था कि जो मेकअप करने का मतलब मेकअप करने वाला होता है वो दे दो, तो मेरे भैया को बोलने भी नहीं आता था, मेरे भाई ने लेके आया था। तो इसमें मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं और तो गाइस ये सारे मेरी बिंदीज हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वीडियोज़ बनाने में, तो इनमें से बिंदी जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मैं रेगुलर अब मैं कंटिन्यू रहूँगी मेकअप वीडियोज़ में, तो आप लोग ज़रूर आप लोग ये सब बिंदी, तो मेरे पास बहुत सारे हैं बिंदी, तो हर लेडीज़ के पास होता है गाइस। और गाइस ये है मेरा मेकअप ब्रश, आप लोग सब कुछ देख चुके हो मेरे वीडियोज़ में, तो आपको फिर से ये चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद अब जो भी मेरे सब्सक्राइबर वो लोग मेरे वीडियोज़ पुराने वाले नहीं देखे होंगे इसलिए मैंने फिर से ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ। तो ये सब मेरे मेकअप ब्रशेस हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज़ गिरता रहता है, तो ये मेकअप ब्रश है एंड और ये सब चीज़ें हैं। और मैं कभी भी हेयर को ज़्यादा मैं हेयर को कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे हेयर कर्ली हैं तो मैं हमेशा जूड़ा लगाती हूँ, इसलिए मैंने पहले कॉम करके मैंने उसको सब सेट कर लिया था। फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लिया, आप लोग फेस को देख सकते हैं,
तो इसको थोड़ा देर मैंने छोड़ दिया था, अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा फाउंडेशन। कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को कोई भी ब्लैकनेस नहीं है आइज़ के नीचे, इसलिए मैं कंसीलर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं पहले ही बना लेती हूँ। तो मैं पहले फाउंडेशन यूज़ करती हूँ गाइस, तो थोड़ा थोड़ा देर में थोड़ा थोड़ा लेके यूज़ करूँगी। हाँ तो मैं ले रही गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील भी कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने हाथ पे लगाया, और इतना ज़्यादा भी नहीं लगाने का, ये मेरा लैक्मे का फाउंडेशन ख़त्म भी होने वाला है अभी कुछ दिन में। इसके बाद तो हमेशा जो लड़कियों का ना, एक तो बोलते हैं ये जो भाग होता है ये बहुत ब्लैक होता है, देन ये बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे किसी ने मेकअप नहीं सिखाया गाइस, मैं खुद से सीखी हूँ, और कोई कमेंट्स मत करना। मेरे को बहुत लोग कॉपी कर बोलते थे, कॉपी करती है, मैं किसी की कॉपी नहीं भाई, मेकअप का जब एक सिस्टम ही एक है तो क्या करें। सो गाइस मेकअप करने के बाद जो चेहरा होता है ना वो कुछ अलग ही दिखता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मेरे एक्चुअली गाइस मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल नहीं रहा है मेरे को, मैंने कहाँ रख दिया, नहीं तो मेरे अभी तक तो मेरा एकदम सेट बैठ जाता। तो ये देखिए मेरा फेस, आप लोग मेकअप के बाद मैं नेचुरली दिखाऊंगी, जो कि चीज़ें दिखाऊंगी मैं एकदम नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं मेकअप बहुत ही नॉर्मल कर रही हूँ जिससे कि आप लोग हमेशा कर सकें। तो इसके बाद मैंने लगाया फेस पाउडर थोड़ा सा लगा लूँ, उसके बाद मैं आईज का करूँगी। ये देखिए, तो गाइस मैं जो भी आईज का मेकअप करूंगी मैं फिंगर से करूंगी, क्योंकि मेरे पास शुरुआत से मैं फिंगर से करती हूँ। सो गाइस अभी मैं कौन सा ड्रेस डालूँगी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है फिलहाल, मैं डालूँगी ग्रीन, तो ग्रीन के हिसाब से थोड़ा सा मैं यूज करती हूँ। पहले मैं लूँगी थोड़ा न्यूड सा कलर, मतलब ब्राउन सा शेड लूँगी। इसके बाद मैं करूंगी थोड़ा सा न्यूड सा कलर ये वाला, थैंक यू।
तो गाइस ये देखिए अभी मेरा मेकअप तो बहुत ही लाइटली लगा रही हूँ गाइस। तो अभी ये हो गया आईज का डन इसके साथ। थोड़ा सा मैं हल्का सा डार्क यूज करूँगी क्योंकि डार्क डार्क साड़ी है तो हल्की लगाऊंगी क्योंकि तो ये कर दिया मैंने लास्ट कॉर्नर में गाइस ग्रीन आप देख सकते हो। और जो मेरी साड़ी में थोड़ा सा वर्क है वो गोल्डन का है तो मैं इसके साथ थोड़ा सा गोल्डन जो है आगे फ्रंट्स में फ्रंट्स लगाऊंगी जिससे आपको दिखे भी। तो गाइस अभी ये हुआ है मेरा मेकअप क्योंकि गई जैसे मेरा ड्रेस है वैसे ही मैंने किया है। ये हो गया मेरा फाइनल। मेरे से सभी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं तो देख सकते हैं। और उसके बाद मैं करती हूँ आईब्रो को तो पहले करना पड़ता है फिलहाल। अभी मेरे को और भी चीज़ें करनी है तो मैं अभी जो सब कुछ हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगा। तो गाइस मैं हमेशा ब्लैक नहीं यूज़ करती हूँ, मैं ब्राउन एंड ब्लैक दोनों मिक्स करती हूँ। और मैंने अपने आईब्रो पे ऐसे लगाया कि गई सभी मेरे पास मिरर नहीं है तो मिरर की वजह से मैं थोड़ी सी तो एक आईब्रोस में और एक आईब्रोस में फर्क दिख गया होगा गई आपको। तो ये है मेरा आईब्रोज। तो ये आईब्रोज मैंने आपके सामने किया है और गाइस थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँ, मैं बहुत फीकी फीकी लग रही हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर लिपस्टिक लगाऊंगी। तो मैं ये वाला लिपस्टिक लगाती हूँ, बहुत लोग लगाते हैं बहुत लोग नहीं लगाते बट मेरे को वही है मेरा फेवरेट है। इसको लगाने के बाद मैं और कोई लिपस्टिक यूज़ करती हूँ तो पहले इसको लगा लेती हूँ।
सो गाइस, अब थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि अब मैं ओके हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत फीकी लग रही थी तो गाइस हो जाता है। मैंने अभी लिप लाइनर नहीं लगाया, इसको बाद में लगाऊंगी। थोड़ा सा ना फेस मेरे को भी, क्योंकि होता है ना कि पहले लोग मेकअप कर लेते हैं उसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं, पर मैंने थोड़ा सा इसको लगाती हूँ। गाइस आईलाइनर के लिए मेरे को थोड़ा सा कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए मैं आईलाइनर नहीं लगा सकती, मुझे मिरर के पास जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो मैं आती हूँ। सो गाइस फाइनली हो गया है, आईलाइनर मैंने लगा लिया है। ओह थक गई गाइस मैं, एक तो इतना ज़्यादा गर्मी। सो अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है गाइस, तो गाइस ये देखिए बहुत ही नेचुरल। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा आईलाइनर, हाथों से लगा रही गाइस, आपको दिखेगा नहीं। अब दिखा आप लोगों को, तो गाइस जब आप चिक्स पे हाइलाइटर लगाते हो ना, मजा आ रहा है गाइस। तो गाइस अब मैं करती हूँ थोड़ी मोड़ी कर लेती हूँ मेकअप। ये मेरा रोज का है, अभी मैंने कोई भी ब्रश वगैरह नहीं यूज किया। आप लोग सोचोगे कि मैंने ब्रश अभी किया ही नहीं, तो मैं कोई चीज़ ऐसे स्ट्रॉ ज़्यादा ना उसको झाड़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया मेरा फाइनल। एंड तो गाइस अभी मैं लगाती हूँ ये लिपस्टिक। तो गाइस सब कुछ तो ओके हो गया, अब क्या कमी है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। देन आई कभी मैं एक क्या बोलती हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को आज जो ड्रेस पहननी है उसमें मेरे को तो मुझे लगानी है रेड ब्लू, तो मैं ये लगाती हूँ क्योंकि आज मैंने ये देखिए कभी भी लगाइए ऐसे लगाइए बिंदी हमेशा। अब मेरा लुक चेंज हो गया, तो अभी मैं इसको फिर से निकालती हूँ एंड यहाँ लगाती हूँ, क्योंकि मैं
कभी भी बिंदी ऊपर नहीं लगाती हूँ क्योंकि हमेशा से जिसकी आदत होती है वैसे। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं, अभी मैंने फेस मेकअप किया है और मेरा मेकअप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मेकअप सूखेगा और उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा ज्वेलरीज पहन लूँ, बाल मेरे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये मेरा नेचुरल है जो मैं नॉर्मल डे में यूज़ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को कॉमेंट्स कीजिएगा, और मैं पूरा फुल अपने गेटअप पहन के पूरा लुक दिखाती हूँ आप लोगों कि मैं कैसे लग रही हूँ। सो बने रहे आप लोग और रोज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे मेकअप के साथ, तो आप लोग बने रहेंगे। और अभी मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद बताइएगा आप लोग। सो गाइस अपना फेस मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक बार आप लोग फेस मेरा ऐसे देख ले और उसके बाद फिर साड़ी पहनने के बाद अगर दिख लीजिएगा। हेलो गाइस, तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और साड़ी भी डाल लिया है, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है जिसके वजह से अभी थोड़ा सा आपको मेरा मेकअप नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे रखूँ। तो ये देखिए मेरा मेकअप लुक, और कमेंट्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा। तो गाइस बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मेकअप करने के बाद, इसीलिए मैं मेकअप नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेकअप करने के बाद जो पसीना आता है ना फेस पे पूछो मत गाइस। तो अभी मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, और ये कैसे दिखाऊँ एक बार, मैं ऑफ करती हूँ ये देखिए। तो गाइस ये नेचुरल है, मतलब नेचुरल मेकअप है, मतलब कि जैसे आप घर पे डेली रूटीन में भी आप इसको मेकअप कर सकते हो, कहीं नॉर्मल जा सकते हो मेकअप करके। अगर आप लोगों को ब्राइडल भी चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा, और मैं अब से आप लोगों को कंटिन्यू मिलूँगी मेकअप करते हुए, और वेस्टर्न में भी मिलूँगी, इंडियंस में भी मिलूँगी। तो हर एक ड्रेस के रिकॉर्डिंग में मेकअप करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अभी नॉर्मल सा मैंने मेकअप करके अब मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, और जैसे मैं रोज़ मेकअप जैसे रोज़ मैं वीडियोस बनाने के लिए मैं रेडी होती हूँ, सिंपल वैसे हुई हूँ ना, मैं ज़्यादा कोई ज्वेलरी पहनी हूँ और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो इसी वजह से। सो आप लोग कॉमेंट्स कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को, और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है देन गाइस अभी मेरा थोड़ा सा ये देखिए। तो आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी मेकअप में प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं फेस पे यूज़ करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हूँ। और मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ फेस पे, उसके बाद मैं कोई कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, और हाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ फेस पे। तो आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो कॉमेंट्स कीजिएगा, और सब चीज़ का मैं डिटेल्स में बताऊँगी। एंड मैं चलती हूँ, बाय बाय। और आप लोग जाके फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है गाइस अब तक पहुँचता रहे। और ऐसे ही अच्छे अच्छे मेकअप वीडियोस और कुकिंग वीडियोस आप तक लाती रहूँगी, और ऐसे मिलती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए गाइस, और जय श्री राम, हर हर महादेव गाइस, बाय बाय।